गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अनिल के शर्मा। वेलकम टू ओरेकल टेक इंडिया। और आज हम यूनिक्स में केबल ग्रिप कमांड के बारे में जानेंगे। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे प्रेस कर ले। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ग्रेप कमांड, तो आइए समझते हैं कि यूनिक्स में ग्रेप कमांड का क्या यूज है। तो बेसिकली इस वीडियो लेक्चर में हम ग्रेप कमांड के बारे में ही जानेंगे। तो ग्रेप कमांड जो है, ग्रेप कमांड स्टैंड्स फॉर ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन प्रिंट। तो ग्रेप कमांड का जो फुल फॉर्म है वो है जी फॉर ग्लोबल, आर फॉर रेगुलर, E for expression, P for print। तो इस तरीके से ग्रेप कमांड का फुल फॉर्म हो गया ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन प्रिंट। तो ग्रेप कमांड क्या करता है, इट स्कैन्स इट्स इनपुट फॉर ए पैटर्न एंड डिस्प्लेस द सिलेक्टेड पैटर्न, द लाइन नंबर्स और द फाइल नंबर्स वेयर द पैटर्न ऑकर्स इन द टेक्स्ट फाइल प्रोवाइडेड बाय यूजर। तो ग्रेप कमांड क्या करता है, ग्रेप कमांड के साथ हम एक सर्च पैटर्न को स्पेसिफाई करते हैं और उसके बाद एक फाइल का नाम देते हैं। तो सर्च पैटर्न को जब स्पेसिफाई करते हैं तो उसको सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन में रखते हैं। तो सिंगल कोटेशन में जैसे मैंने एक वर्ड रखा, तो उस वर्ड को जो है उस फाइल में जो उसके साथ मैंने फाइल्स स्पेसिफाई किया है, उस फाइल में जाकर के चेक करेगा कि उस फाइल में जिस जिस लाइन पे वो वर्ड मैच करता है उस लाइंस को जो है ग्रेप कमांड क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा। तो यहाँ पे सिंगल कोटेशन में जो मैंने वर्ड लिखा है उसी को सर्च पैटर्न बोलते हैं। तो ग्रेप कमांड क्या करेगा, ये सर्च पैटर्न को एज एन इनपुट लेगा और उसके बाद मैच करके फाइल में जो है जिस लाइंस पे उसको वो वर्ड मिलता है उस लाइंस को ये डिस्प्ले कर देगा, सिलेक्टेड पैटर्न को ये डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद लाइन नंबर्स को भी ये शो करता है और फाइल नेम्स को भी ये शो करता है जहाँ पर पैटर्न ओकर कर जाता है, जहाँ पर पैटर्न टेक्स्ट फाइल में मैच कर जाता है जिस टेक्स्ट फाइल को यूजर ने ग्रेप कमांड के साथ स्पेसिफाई किया है। तो ग्रेप कमांड को एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, ग्रेप कमांड के साथ मैंने एक सर्च पैटर्न लिखा है सेल्स। तो एक वर्ड लिखा है मैंने डबल इन्वर्टेड कोमा में सेल्स, उसके बाद मैंने एक फाइल का नाम दिया है, उसके बाद मैंने एंटर को प्रेस किया है। तो यहाँ पे क्या करेगा, emp.first नाम के फाइल में जा करके चेक करेगा कि किस किस लाइन पे सेल्स वर्ड लिखा हुआ है, जिस जिस लाइन पे सेल्स वर्ड लिखा हुआ है वो सारे लाइंस को यहाँ पे ग्रेप कमांड क्या करेगा, डिस्प्ले कराएगा। तो द कमांड फॉर सर्चिंग द लाइंस कंटेनिंग सेल्स इन द फाइल emp.first। तो फाइल emp.first में जहां जहां सेल्स वाली लाइन है उन लाइंस को जो है ये कमांड क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। सेकंड जो है, ग्रेप कमांड के साथ मैंने एक सर्च पैटर्न लिखा है, डबल इन्वर्टेड कोमा में मैंने डायरेक्टर लिखा है, उसके बाद मैंने दो फाइल्स के नाम दिए हैं emp.first और दूसरी जो फाइल है वो है emp2.first। उसके बाद मैंने एंटर को प्रेस किया है। तो ये क्या करेगा, डायरेक्टर जो सर्च पैटर्न है, जो वर्ड है वो सर्च करेगा emp.first में, emp.first में जाएगा, देखेगा कहाँ किस किस लाइंस पे डायरेक्टर लिखा हुआ है, उस लाइन को भी डिस्प्ले करेगा और साथ ही साथ फाइल का नाम भी ये शो करेगा कि इस फाइल से ये लाइन उठ करके आई है। उसके बाद दूसरी फाइल में भी जा करके सर्च करेगा कि किस किस लाइन पे डायरेक्टर वर्ड आया है, उस लाइन को डिस्प्ले कराएगा और उस फाइल का नाम भी ये शो करेगा। तो इट डिस्प्लेज द फाइल नेम, ये फाइल नेम को भी शो करता है, साथ ही साथ आउटपुट फ्रॉम बोथ फाइल्स, दोनों फाइल्स में
डायरेक्टर वर्ड वाली जितनी भी लाइंस है उन लाइंस को भी ये डिस्प्ले कराता है। और कमांड बेसिकली क्या करता है, सर्चेस करता है पैटर्न डायरेक्टर को इन बोथ फाइल्स, दोनों फाइल में जो है डायरेक्टर वाले वर्ड को सर्च करता है, और जहाँ जहाँ जो जो लाइन मिल जाती है, जिस लाइन पे डायरेक्टर लिखा हुआ होता है, उन लाइंस को जो है ये डिस्प्ले कराता है, उसके साथ फाइल का नाम भी शो करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे हाइफन आई एक ऑप्शन मैंने स्पेसिफाई किया है, एक सर्च पैटर्न लिखा है मैंने सिंगल कोटेशन में अग्रवाल, और उसके बाद एक फाइल का नाम दिया है emp.first, एंटर मैंने प्रेस किया। तो इसमें क्या करेगा, आई ऑप्शन इग्नोर करेगा लोअर केस और अपर केस को, मतलब ये जो सर्च पैटर्न दिया है मैंने अग्रवाल, ये जा करके चेक करेगा emp.first में, और जहाँ जहाँ अग्रवाल जिस जिस लाइन पे उसको अग्रवाल वर्ड मिलेगा उस लाइन को डिस्प्ले करेगा। बट उस लाइन पे अगर अग्रवाल वर्ड, यहाँ पे मैंने अग्रवाल का फर्स्ट लेटर जो है स्मॉल दिया है, अगर emp.first फाइल में इसको अग्रवाल मिल जाता है जिसका फर्स्ट लेटर ए जो है वो कैपिटल है, तो ये उसको इग्नोर कर देगा, मतलब कैपिटल लेटर है तब भी उस लाइन को ये ले लेगा। तो हाइफन आई क्या करता है, जो है अग्रवाल का फर्स्ट लेटर जो है ए, वो चाहे अपर केस में हो चाहे लोअर केस में हो, इसको ये इग्नोर कर देगा और उस लाइन को ये डिस्प्ले कराएगा। तो इट इग्नोर्स लोअर केस और अपर केस इन द फाइल, तो फाइल में अग्रवाल वर्ड मिल गया उसे जिस लाइन पे, उस अग्रवाल वर्ड का फर्स्ट लेटर चाहे लोअर केस में हो चाहे अपर केस में हो, वो तब भी उस लाइन को डिस्प्ले करा देगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है ग्रेप के साथ हाइफन बी ऑप्शन को मैंने यूज़ किया है, एक सर्च पैटर्न लिखा है सिंगल कोटेशन में डायरेक्टर वर्ड लिखा है मैंने, एक फाइल का नाम दिया है मैंने emp.first, उसके बाद रिडायरेक्ट ऑपरेटर लिखा है मैंने, और एक और फाइल का नाम दिया है और एंटर को प्रेस किया है मैंने। तो इसमें क्या करेगा कि डायरेक्टर वर्ड को सर्च करेगा emp.first में, और सर्च करके चेक करेगा कि डायरेक्टर वर्ड किस किस लाइन पे आया है, जिस जिस लाइन पे डायरेक्टर वर्ड आया है उस लाइन को ना लेकर के जिस जिस लाइन पे डायरेक्टर वर्ड नहीं आया है उन उन लाइंस को उठा करके हाइफन बी ऑप्शन क्या करेगा, DEMP.first में ले जा करके पेस्ट कर देगा, और रिडायरेक्ट का मतलब है जो भी रिजल्ट आएगा वो सीधे DEMP.first में आ जाएगा, और रिजल्ट को आंसर को पेस्ट करने का काम जो है वो हाइफन बी का है, और हाइफन बी उन लाइंस को पेस्ट करेगा जिन लाइंस पे डायरेक्टर वर्ड नहीं आया है। तो यहाँ पर हाइफन बी ऑप्शन क्या करता है, प्रिंट ऑल द लाइंस, वो सारे लाइंस को प्रिंट करेगा एक्सक्लूडिंग द लाइंस विच हैव द मैच सर्च पैटर्न, उन सारे पैटर्न को एक्सक्लूड कर देगा जिस पैटर्न पे डायरेक्टर वर्ड आया है, जिस लाइन पे डायरेक्टर वर्ड नहीं आया है वो सारे लाइंस को जो है DEMP.first नाम के फाइल में ले जा करके जो है पेस्ट कर देगा। तो हाइफन वी ऑप्शन का मतलब है अनमैच्ड सर्च पैटर्न को DEMP.first में ले जा करके पेस्ट कर देगा, और रीडायरेक्ट का मतलब है कि जो भी आंसर आएगा वो DEMP.first में आ जाएगा, और पेस्ट करवाने का काम हाइफन बी ऑप्शन का है। उसके बाद ग्रेप कमांड के साथ मैंने हाइफन एन ऑप्शन लिखा है, उसके बाद एक सर्च पैटर्न लिखा है मार्केटिंग सिंगल कोटेशन में, एक फाइल का नाम दिया है मैंने emp.first, उसके बाद एंटर को प्रेस किया है मैंने। तो ये क्या करेगा, emp.first नाम के फाइल में जाएगा और उन उन लाइंस को ढूंढेगा जिन लाइन में मार्केटिंग लिखा हुआ है, उन मार्केटिंग वाली लाइंस को डिस्प्ले कराएगा, और हर लाइन से पहले लाइन नंबर को भी ये शो करेगा। तो लाइन नंबर आर शोन एट द बिगिनिंग ऑफ इच लाइन, तो जितनी भी लाइन शो होगी हर लाइंस के स्टार्टिंग में लाइन नंबर भी शो करेगा ये।
उसके बाद जो है ग्रेप कमांड के साथ हाइफन सी का ऑप्शन है, एक सर्च पैटर्न है सिंगल कोटेशन में डायरेक्टर, उसके बाद मैंने फाइल का नाम दिया है emp.first, उसके बाद एंटर को मैंने प्रेस किया है। तो ये क्या करेगा, ये emp.first में जा कर के चेक करेगा कि किस किस लाइन पे डायरेक्टर वर्ड आया हुआ है, सिर्फ उनको काउंट कर लेगा, उसकी काउंटिंग करके ये हमें नंबर शो कर देगा कि इतने इतनी लाइंस है जिस पर डायरेक्टर वर्ड आया हुआ है। तो दिस प्रिंट्स ओनली एक काउंट ऑफ द लाइंस, ये लाइंस के काउंट को प्रिंट करेगा दैट मैच ए पैटर्न, जो पैटर्न मैच कर गया है। इस स्लाइड में यूनिक्स के कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं। तो यहाँ हमारे पास पहला एग्जांपल है, ग्रेप कमांड के साथ हाइफन एल ऑप्शन है और एक सर्च पैटर्न लिया है मैंने सिंगल कोटेशन में मैनेजर, और उसके बाद एस्ट्रिक डॉट फर्स्ट टाइप करके मैंने एंटर को प्रेस किया है। तो ये क्या करेगा, एस्ट्रिक डॉट फर्स्ट का मतलब ये है कि डॉट फर्स्ट नाम के जितने भी टेक्स्ट फाइल्स हैं उन टेक्स्ट फाइल में ग्रेप कमांड क्या करेगा, मैनेजर वर्ड को सर्च करवाएगा, और जिस भी फाइल में मैनेजर वर्ड लिखा हुआ है उस फाइल का ये नाम डिस्प्ले करेगा। तो फाइल का नाम डिस्प्ले कराने का काम हाइफन एल ऑप्शन का है। तो हाइफन एल ऑप्शन क्या करता है, फाइल का नाम शो करता है, और मैनेजर वर्ड जिस फाइल में नहीं मिला उस फाइल का नाम ये शो नहीं करेगा। तो हाइफन एल ऑप्शन डिस्प्लेस ओनली द नेम्स ऑफ फाइल कंटेनिंग द पैटर्न। तो हाइफन एल ऑप्शन क्या करता है, उन फाइल के नाम्स को शो करेगा जिन फाइल्स में मैनेजर वर्ड लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो है, ग्रेप कमांड के साथ मैंने हाइफन ई के साथ एक सर्च पैटर्न टाइप किया है अग्रवाल। तो अग्रवाल का मैंने फर्स्ट लेटर कैपिटल रखा है, उसके बाद हाइफन ई के साथ मैंने एक और सर्च पैटर्न लिया है अग्रवाल, और इसका स्पेलिंग मैंने थोड़ा सा पिछले वाले से चेंज कर दिया है, AGGARWAL लिखा है मैंने यहाँ पे। उसके बाद हाइफन ई के साथ मैंने एक और अग्रवाल लिया है AGRAWAL, इसको भी इसका इस, इसकी स्पेलिंग भी मैंने पिछले दोनों अग्रवाल से अलग लिखी है, और उसके बाद एक फाइल का नाम दिया है मैंने emp.first, उसके बाद मैंने एंटर को प्रेस किया है। तो ये क्या करेगा, emp.first नाम के फाइल में इस वाले अग्रवाल को सर्च करेगा, अगर ये वाला अग्रवाल उसको मिल जाता है, यानी कि अग्रवाल का फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल होगा तो ये वाली लाइन उसको मिल जाती है, तो उस लाइन को ये डिस्प्ले करेगा। अगर emp.first नाम के फाइल में इस अग्रवाल नाम के स्पेलिंग वाला वर्ड मिल जाता है तो उस लाइन को डिस्प्ले करेगा, और emp.first नाम के फाइल में अगर अग्रवाल के इस स्पेलिंग वाला नाम वहाँ पे मिल जाता है तो उस लाइन को भी ये डिस्प्ले करेगा। तो 3 अग्रवाल इज मैच्ड इन द फाइल emp.first। तो emp.first में इस तरीके से 3 अलग-अलग अग्रवाल को सर्च पैटर्न बना करके मैंने सर्च करवाया है, और जहाँ जहाँ ये तीनों सर्च पैटर्न मैच हुए हैं उस लाइंस को जो है ग्रेप कमांड ने डिस्प्ले किया, मतलब ग्रेप कमांड उसको डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट जो है, ग्रेप के साथ मैंने डबल इन्वर्टेड कोमा में जे डॉट एस्ट्रिक सक्सेना एक सर्च पैटर्न मैंने टाइप किया है, उसके बाद emp.first एक फाइल का नाम लिया है, उसके बाद मैंने एंटर को प्रेस किया है। तो यहाँ पे जो है सर्च पैटर्न है मेरा जे डॉट एस्ट्रिक सक्सेना, इसका मतलब है कि emp.first में किसी भी लाइन पे जहाँ पे कोई लाइन या कोई भी वर्ड जे से स्टार्ट होता है और जे से स्टार्ट होकर के उसके बाद सक्सेना वाला वर्ड आ जाता है, तो जे और सक्सेना के बीच में चाहे कोई भी वर्ड लिखा हुआ हो तो उस लाइन को ये कमांड क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। तो इन द ईएमपी फर्स्ट फाइल, ईएमपी फर्स्ट फाइल में
ऑल पैटर्न दैट स्टार्ट्स विद जे, सारे पैटर्न या सारी लाइनें जो जे से स्टार्ट होती है, या सारे वर्ड जो जे से स्टार्ट होती है और एंड्स विद सक्सेना, और सक्सेना वर्ड से वो लाइन एंड होती है, तो उस लाइन को ये क्या करेगा, शो करेगा। उसके बाद जो है ग्रेप कमांड के साथ मैंने एक और सर्च पैटर्न यहाँ पे टाइप किया है, तो डबल इन्वर्टेड कोमा मैंने एक्सपोनेंट 2 टाइप करके एक फाइल का नाम दिया है emp.first, तो emp.first उसके बाद मैंने एंटर को प्रेस किया यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, emp.first में जा करके वो एम्प्लॉई आईडी जिसकी 2 से स्टार्टिंग होती है, जिसकी एम्प्लॉई आईडी 2 से स्टार्ट होती है, वो सारी एम्प्लॉई आईडी शो कर देगा। तो ये क्या करेगा, इट विल शो एम्प्लॉई आईडी बिगिनिंग विद 2 लाइक 22 33 23 65 23 45। तो ये क्या कर रहा है कि एम्प्लॉई आईडी जिसका फर्स्ट लेटर जो है न्यूमेरिक है और वो 2 है, उस एम्प्लॉई आईडी को इसने शो कर दिया। इसका भी फर्स्ट न्यूमेरिक 2 है, इसका भी फर्स्ट न्यूमेरिक 2 है, तो जो है 2 वाली एम्प्लॉई आईडी को जो है यहाँ पे इसने डिस्प्ले कर दिया। उसके बाद ग्रेप कमांड के साथ मैंने एक और सर्च पैटर्न टाइप किया है 7, उसके बाद 3 डॉट टाइप करके मैंने डॉलर को टाइप करके सर्च पैटर्न बनाया है, उसके बाद एक फाइल का नाम दिया है मैंने emp.first, उसके बाद एंटर को प्रेस किया है मैंने, तो ये क्या करेगा, emp.first नाम के फाइल में जाएगा, और जिसकी सैलरी 7 से स्टार्ट हो रही है और 7 से स्टार्ट हो करके नेक्स्ट 3 डिजिट तक वाले सैलरी को ये शो करेगा, तो इट विल शो द सैलरी स्टार्ट विथ 7, तो ये शो करेगा सैलरी जो 7,000 से, मतलब 7 से जिसकी सैलरी स्टार्ट हो रही है, और 7 के बाद ये 3 डिजिट और शो करेगा, 7,000 7,800 7,802, मतलब 7 के बाद 3 डिजिट और शो करेगा ये। तो इस वीडियो लेक्चर में ग्रेप कमांड के बारे में इतना ही था, तो जितना भी मैंने समझाया है ये सारा जो है बेसिक था, और जो है एक बेस के तौर पे सफिशिएंट है। तो ग्रेप कमांड का मेरा ये वीडियो लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है, तो बाकी के कमांड्स को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।